एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो, क्या कभी फ्रेंड्स आप लोगों ने इस तरह से गन प्रेस के ऊपर ब्रश को लगा के देखा है? या बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड, यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो ऐसे ही एक से बढ़कर एक टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे इन तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के हम यूजफुल टिप्स की वीडियो शुरू करते हैं। पहली टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से चकला बेलन को लेकर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब रोटी को हम बनाते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रोटी बनाते वक्त तो हमारा जो आटा रहता हो साइड साइड से हमारे काउंटर पे गिर जाता है, जिसे हमें घंटों क्लीन करना पड़ता है फ्रेंड। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग कितनी भी रोटियां बनाएं आप लोग घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड हमें क्या करना है, बनाने के पहले यहाँ पे हमें इस तरह से पेपर लेना है, पेपर को इस तरह से हमें काउंटर पे नीचे बिछा देना है। और उसके बाद इस तरह से बिछाने के बाद हमें चकला इस पर रख देना है। उसके बाद हमें रोटियां बनाना है फ्रेंड। तो इस टिप्स और ट्रिक से अगर आप लोग रोटी बनाते हैं तो आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, बिल्कुल आपका काउंटर गंदा नहीं होगा, जो भी इसमें एक रोटी बनाते वक्त आटा हमारा गिरेगा भी इस तरह से पेपर के ऊपर गिरेगा। और इस तरह से हम रोटी बनाने के बाद चकला बेलन को साइड में कर देंगे और इसके बाद इस पे जो भी आटा गिरा है उसको हम इस तरह से कहीं डाल देंगे। तो फ्रेंड यह बहुत यूजफुल टिप्स है। तो रोटी बनाने के पहले इस तरह से पेपर आप लोग काउंटर पे जरूर लगाएं। हो फ्रेंड यह टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से सिलेंडर को लेकर। अक्सर हम लोग एक सिलेंडर यूज करते हैं और एक सिलेंडर को हमें भरा करके इस तरह से कहीं ना कहीं तो हमें रखना ही पड़ता है। तो इस तरह से लॉन्ग समय तक अगर हम ऐसे ही फर्श पे सिलेंडर को रख देते हैं तो उसके नीचे काला पड़ जाता है और पोंछा लगाते वक्त हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है उसे छुड़ाने के लिए। तो फ्रेंड आज इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। कहीं पर भी आप लोग अगर इस तरह से सिलेंडर को रखते हैं तो उस टिप्स को आप लोग फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप लोग को घंटों वहाँ का एरिया आप लोग को क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए यहाँ पे हमें लेना है एक बड़ी सी पॉलीथीन, जिसे हम कबाड़ समझ कर फेंक देते हैं फ्रेंड। तो आप लोग इस तरह से सिलेंडर में नीचे लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से इसे हम सिलेंडर में यूज करने वाले हैं चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड इस तरह से हमें सिलेंडर को उठा लेना है और उठाने के बाद इस तरह से सिलेंडर में हमें अच्छे से इसे ऊपर तक लगा देना। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने पॉलीथीन को सिलेंडर के नीचे लगा दिया है। अब सिलेंडर को हमें पोंछा लगाते वक्त अगर इधर से उधर करेंगे तो वहाँ का एरिया हमारा गंदा नहीं होगा। तो एक पॉलीथीन के हेल्प से फ्रेंड वहाँ का एरिया आप लोग इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड इस तरह से सिलेंडर के नीचे पॉलीथीन लगाने का या टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो फ्रेंड इस तरह से प्रेशर कुकर के रबड़ को लेकर। अक्सर हम लोग इस तरह से प्रेशर कुकर में रबड़ लगाते हैं तो ये ज़्यादा दिन यूज होने की वजह से हमारा ये रबड़ बिल्कुल एकदम ढीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसे हम फेंक देते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग इस तरह से पुराने प्रेशर कुकर के रबड़ को आप लोग ना फेंक करके इसे अपने यूज में ला सकते हैं। तो किस चीज़ में हम इस तरह से प्रेशर कुकर के रबड़ को यूज करने वाले हैं चलिए हम देख लेते हैं। तो इसे हम यूज करने वाले हैं फ्रेंड इस तरह से क्लोथ वाली क्लिप को लेकर। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, क्लोथ वाली क्लिप को ऐसे ही रख देते हैं तो इधर उधर ये गुम भी हो जाती है। फ्रेंड क्लोथ वाली क्लिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह से खराब प्रेशर कुकर की रबड़ को आप लोग यूज कर सकते हैं और इस तरह से क्लोथ वाली क्लिप को आप इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें लगा करके ऑर्गेनाइज करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने सारे क्लोथ वाली क्लिप को इस तरह से रबड़ में ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कहीं पर भी आप लोग इसे हैंग कर सकते हैं, आपकी क्लोथ वाली क्लिप बिल्कुल एक जगह ऑर्गेनाइज रहेगी, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसे हम आप लोग को हैंग करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस तरह से हैंग कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया से मेरा या क्लोथ वाली क्लिप इस तरह से खराब रबड़ में ऑर्गेनाइज हो गई है। तो फ्रेंड इस टिप्स और ट्रिक से आप लोग क्लोथ वाली क्लिप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड यह भी टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ।
टिप्स की मेरी वीडियो फ्रेंड, इस तरह से चाय वाली छन्नी को लेकर। तो क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से चाय के छन्नी में सीजर और नाइफ में धार लगा के देखा है फ्रेंड? यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है। बिना एक रुपए खर्च किए हुए आप लोग बिना मार्केट गए अपने घर पे आसानी से एक छन्नी की हेल्प से आप लोग नाइफ और इस तरह से सीजर में धार लगा सकते हैं। तो किस तरह से हम इस तरह से सीजर नाइफ में धार लगाएंगे वो भी एक छन्नी के हेल्प से। तो चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हमें छन्नी इस तरह से लेना है और इस तरह से हमें सीजर लेना है। सीजर को इस तरह से हमें छन्नी के ऊपर प्रेस करते हुए आगे पीछे हमें इस तरह से करते जाना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, इसमें जो धार हमारी चली गई है सीजर में एक छन्नी की हेल्प से, इसमें बिल्कुल धार आ जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को अच्छे से धार लगा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने धार इस तरह से लगा लिया है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं इसमें अच्छे से चमक आ गई है, इसमें की गई हुई धार बिल्कुल एकदम से वापस आ गई है। चलिए इसी तरह से हम नाइफ में भी लगा लेते हैं। तो सेम इसी तरह से हमें नाइफ में भी लगाना है, आगे पीछे करते हुए इस तरह से हमें प्रेस करते हुए छन्नी पे धार लगाना है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड, बिना मार्केट गए बिना एक रुपए खर्च किए हुए एक छन्नी की हेल्प से आप लोग अपने नाइफ सीजर में धार इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया इसमें धार लग गई है। कोई भी चीज इसे कट करेंगे तो आसानी से वो कट हो जाएगा। यह बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो है। आप लोग किसी भी चीज में एक छन्नी की हेल्प से धार लगा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड यह भी टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। फ्रेंड, नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से कपड़े वाले ब्रश को लेकर। अक्सर हम लोग नया कपड़ा ले के लिए इस तरह से ब्रश लाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, जिसकी वजह से हम कोई भी सॉफ्ट मुलायम कपड़ा अगर धुलते हैं तो हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, उसमें रेशे निकल जाते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए मैं बहुत यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। अगर आप लोग का ये हार्ड ब्रश है तो बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए यहाँ पे हमें इस तरह से प्रेस को लगा लेना है, बटन को हमें ऑन कर देना है। बटन ऑन करने के बाद इस तरह से प्रेस को हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, तो हमें हल्का सा गर्म करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रेस ये गर्म हो गया है। चलिए हम अच्छे से इसमें का जितना भी हार्डपन है हम इस तरह से प्रेस करते हुए दूर कर देते हैं फ्रेंड। तो इस टिप्स और ट्रिक से कितना भी आपका हार्ड ब्रश है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड, जितना भी इसका हार्डपन था वो बिल्कुल एकदम से खत्म हो गया है। अब इस तरह से फ्रेंड कोई भी कपड़ा आप लोग अगर क्लीन करेंगे तो इस तरह से ब्रश लगाएंगे तो बिल्कुल आपका कपड़ा नहीं खराब होगा, क्योंकि इसका जितना भी हार्डपन था वो दूर हो गया है। तो फ्रेंड यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है। अगर आज की यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।